मैं सभा में उपस्थित सभी देवों, दानवों और आचार्यों से क्षमा चाहता हूं कि मेरे विलंब होने के कारण सभा को प्रतीक्षा करनी पड़ी। शनि, मैं प्रसन्न हूं कि तुम सभा में सही समय पर पहुंचने में सफल रहे। अब महादेव को साक्षी मानकर तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि तुम इस महासभा में, इस महाविवाद में असुर पक्ष का प्रतिनिधित्व करोगे। आओ शनि। मुझे अपने प्रतिनिधि पर पूर्ण विश्वास है। हमारा कोई अहित नहीं होगा। शनी, अब तुम्हारा अस्तित्व इस संकल्प से जुड़ा हुआ है और जब तक न्याय नहीं होता तब तक तुम इस संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। सूर्यदेव, अब संकल्प लेने की बारी आपकी है। ओम मित्राय नमः, प्रभवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, भगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मित्राय नमः, प्रभवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, भगाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्यपुत्रयम्, महादेव को साक्षी मानकर देवों का प्रतिनिधि होने का संकल्प लेता हूं। यम, ये यम,
पिताश्री, मैं बस अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। देवऋषि, यम को इस संकल्प से मुक्त कीजिए। सूर्यदेव, ये संभव नहीं है। यम संकल्प पाश में बन चुका है। परंतु देवों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना गया था। अब कुछ भी नहीं हो सकता सूर्यदेव। यम संकल्प ले चुका है और उसे इस पाश से मुक्त करवाना मेरे वश की बात नहीं। नहीं, यम को मुक्त होना ही होगा। ये द्वंद मेरे और शनि के मध्य निर्धारित हुआ था। सूर्यदेव, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। अब इस समस्या का हल केवल वे ही निकाल सकते हैं जिन्होंने इस संकल्प पाश की रचना की है। स्वयं प्रभु श्री नारायण। तो श्री नारायण का आह्वान कीजिए। किंतु असंभव है सूर्यदेव, संकल्प लिया जा चुका है, संकल्प पास बांधा जा चुका है और हम सब इसके साक्षी हैं। नियम अनुसार यम ने अपनी इच्छा से अपना प्रारब्ध चुना है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। नारायण नारायण शांत। मैं कहता हूं कि शांत हो जाइए। यह समस्या अत्यंत गंभीर है। भले ही संकल्प यम ने लिया है किंतु संकल्प लेते समय सूर्य देव का स्पर्श प्राप्त था यम को। और अब इस गंभीर समस्या का निवारण करने हेतु मुझे प्रभु श्री नारायण का आवाहन करना ही होगा। पात, देवऋषि ने मेरा आवाहन किया अर्थात कारण गंभीर है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। यम और सूर्यदेव जिस विचित्र स्थिति में है उसका निदान केवल आप कर सकते हैं। प्रभु, अब आप ही बताइए कि संकल्प का वास्तविक पात्र कौन है। देवराज ने इस तर्क के लिए मेरा चयन किया था महाविष्णु। यम अभी बालक है, उसे संकल्प से मुक्त कीजिए। यम भावी धर्मराज है सूर्यदेव। उसने अनजाने कुछ किया ये सोचना ही अनुचित। इसलिए यम को संकल्प से मुक्त नहीं किया जा सकता। यम को संकल्प से मुक्त नहीं किया जा सकता। किंतु देवों ने अपना प्रतिनिधि
आपको चुना है, इसलिए मैं आपको अनुमति दे सकता हूं कि देवों की ओर से तर्क आप ही दें। मरण रहे सूर्यदेव, यम आपके कवच के रूप में है। बाण भले ही व्यक्ति संधान करे, परंतु सबसे पहले बाण कवच को सहना होता है। इस द्वंद के निर्णय के फल का सामना यम को ही करना होगा। अब आप तर्क प्रारंभ कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि अपना मत रखने का अवसर पहले किसे दिया जाए। युद्ध हो या तर्क, पहला प्रहार, पहला अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और अधिकतर सबसे अधिक लाभदायक भी। किंतु इस सभा में यदि पहला तर्क ही सत्य सिद्ध हुआ तो दूसरे प्रतिद्वंदी के पास कहने के लिए कुछ विकल्प बचेगा ही नहीं। अब आप ही बताइए कि पहला अवसर किसे दिया जाए। सूर्यदेव को, सूर्यदेव को, सूर्यदेव को, शनि को, सूर्यदेव को, शनि को, शनि को, शनि को, शनि को, चांद। शनि, आयु में तुम सूर्यदेव से छोटे हो, इसलिए नियम अनुसार पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। नहीं देवऋषि, पहला अवसर सूर्यदेव को मिलना चाहिए। अपना अवसर प्रतिद्वंदी को देना उचित नहीं है शनि। देव ऋषि ने कहा ना, द्वंद में पहला अवसर सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये युद्ध नहीं है शुक्राचार्य, ये तर्क है। और तर्क में प्रारंभ से पूर्व परिणाम के विषय विचार लेने चाहिए। इस द्वंद के अंत में एक पक्ष को निष्कासन सहना होगा। और देवों की ओर से एक नहीं बल्कि दो जीवन दांव पर है, इसलिए पहला अवसर पाने का अधिकार सूर्य देव को है। उत्तम, अति उत्तम। सूर्यदेव, पहला अवसर आपका हुआ, आइए और अपना मत दीजिए।